ये देखो जराबे भी डाले हुए, सॉक्स, ये इसके शूज पड़े स्कूल के, ये क्या इस पे पता नहीं कौन सा केस डाल दिया किसी ने, ये बेचारी ब्राउन हुई घूम रही है कि घूम रहा है जो भी है। सत श्री अकाल, आदाब, राम राम सभी मेरे भाइयों को। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज मेरे को कहीं बाहर जाना है, स्पेशल जगह पे जाना है। जब भी मैं किसी स्पेशल जगह पे जाता हूँ तो मैं अपना स्पेशल परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ जो कि है वर्साटे। ठीक है दोस्तों, तो आज स्पेशल जगह कौन सी है, स्पेशल जगह है मैं जा रहा हूँ कोर्ट में। तो कोर्ट में मैं, ये देखो ये मेरा बांजा आया हुआ है तो इसने निकाल लिया जीव अपनी बाहर। तो दोस्तों इसके जो उनसे फादर है उनको कोर्ट में काम है, रजिस्ट्री वगैरह करवानी है, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ क्योंकि बार बार मतलब कॉल्स मेरे को आ रही हूँ। आज मैं डाल रहा हूँ वुडलैंड के शूज़ क्योंकि जो उनसे आज मैंने पैंट डाली हुई है उसके साथ वुडलैंड के शूज चलेंगे। तो फुल रेडी हो गुस्सा गुस्सा आ गया इसको, गुस्सा गुस्सा कर दे भाई, गुस्सा कर दो। ये जोन सा मेरा भांजा क्विट सा, मैंने इसको पूछा कि खाना खाना है तो अभी इससे पूछते हैं, तो देखना इसका जवाब क्या आता है। शाबी पोंटी खा लो, क्यों गजा के खाएगा? तो मैं खा रही है गजा के, क्यों यहाँ पर क्या है, मैं नहीं खाऊंगी यहाँ पर क्या है, ये स्कूल है, ये भी तो घर ही है, ये मामू का घर है ना, खा ले यार। तमाशा हम कहाँ दिखलाता है साहब, तमाशा तो ये पापी पेट दिखाता है। यमुनानगर कोर्ट में मैं अभी जा रहा हूँ, आज आपको यमुनानगर कोर्ट दिखाएंगे कैसी है कोर्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वहाँ पर ही रजिस्ट्री होनी है। तो मेरे को बार बार मेरी सिस्टर की कॉल्स आ रही हैं कि आप जल्दी पहुँचो वहाँ पर, तो क्योंकि एज आ गवाह मेरे को वहाँ पर पेज होना है। तो मैं भी जा रहा हूँ तो आपको भी दिखाएंगे कि यमुनानगर की कोर्ट कैसे। दोस्तों कोर्ट में हम पहुंच चुके हैं, तो ये शाबी के पापा हैं, मैं यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अभी। देखो आपको पता ही है कोर्ट के कामों में कैसे काम होता है, तो अभी वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। उधर सिस्टर बैठी हुई है, वो बैठी हुई सिस्टर। तो ये सारी यमुनानगर की कोर्ट है, आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ अभी। वैसे कोर्ट में हम वीडियो बना नहीं सकते बिना पुलिस की परमिशन से, पर फिर भी मैं छोटी छोटी क्लिप पे ले रहा हूँ, आपके लिए रिस्क ले रहा हूँ। 2 hours later तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया मेरे को कोर्ट में बैठे हुए, अभी काम प्रोसेसिंग में चल रहा है काम। देखो कब तक होता है आपको भी पता ही है इंडियन कोर्ट में कितना टाइम लगता है। इसमें हम ये भी नहीं है अपनी गवर्नमेंट की या किसी की गलती निकाल सकते हैं, ये तो आपको ही पता है कि एक एक जज के पास इतने इतने केसेस आते हैं, इसीलिए समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो दोस्तों ये अपने वकील साहब जो उनसे अपना कोर्ट में काम करवा रहे हैं, तो वैसे तो उम्मीद दे रहे हैं, ये 3 तो बज गए हैं कि जल्दी काम हो जाएगा, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं अपनी। बाकी आप बोल के बता दो अपना कॉन्टैक्ट नंबर यमुनानगर में। 999 रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ 999-655-2981 यमुनानगर में किसी को कोई भी काम हो, कोई भी ऐसा कोई केस हो, वकील साहब काफ़ी हेल्पफुल है, आप इनके पास आ सकते हैं, मीट कर सकते हैं। तो ये गौर से देखो ये वाली पाइप, आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा ये पाइप देखकर, ये पाइप है जो सी कोई फिल्म होती है जिसमें
जब भी कोई कोर्ट से मुजरिम भागता है इसी पाइप के जरिए भागता है। मेरी भी अभी नज़र पड़ी थी इस पर। कुछ खुराफाती आई है, फ्री बैठ बैठ के मैं हो गया था बोर, तो अब मैं अपने लेसिस का स्टाइल बदलने वाला हूँ। साथ में टाइम पास हो जाएगा, साथ में चेक हो जाएगा कि वो स्टाइल कामयाब होता है कि नहीं होता। ये देखना फिर मैं अपने जूतों का स्टाइल बनाऊँगा लेसिस का। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ऐसे कर रही हैं, मतलब हमारे पंजाबियों में कहावत है घूम फिर के खोती फिर बोर्ड थल्ले आ गई है। तो चल बोजड़ी के, मतलब वो स्टाइल बन नहीं पाया जूतों का, तो इस करके मैंने वो प्लान कैंसिल करके अब घर जाके दूसरे जूतों में देखेंगे वो लेसिस का स्टाइल, क्योंकि ये वुडलैंड के ना जो हाई नेक वाले होते हैं इसमें वो सुराख भी कम होते हैं, इसलिए मैंने ये प्लान चेंज कर दिया। आप घर जाके दूसरे शूज़ में करेंगे, आपको करके जरूर दिखाऊंगा। ये देखो कोर्ट में इस पर पता नहीं कौन सा केस डाल दिया किसी ने, ये बेचारी ब्राउन हुई घूम रही है कि घूम रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा जो भी है। तो अभी तक इसकी तरीक इसका वकील आया नहीं है, जैसे इसका वकील आएगा ना, इसका वकील नहीं आया अभी, अभी इसका वकील आना है, ये उसी की वेट कर रही है। शायद आज ये बरी हो जाए। इस टाइम चल रही है पार्टी, कोक पी रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पार्टी चल रही है कोर्ट के अंदर, पार्टी इज ऑन। तो ये सिस्टर मेरी कह रही है नहीं मेरी वीडियो ना बनाई, तो फुल मस्ती फुल एंजॉय चिल मोड ऑन हो रहा है। चल झूठा। तो दोस्तों आज हमारा काम बीच में अटक गया, कल दोबारा कोर्ट में आएंगे, तो वो जो से कल वाला है वो आपको कल के ब्लॉग में दिखेगा। वकील साहब ने कोशिश तो बहुत करी थी कि आज ही हमारा काम निपट जाए, पर बीच में अड़ गया किसी कारण। पहुंच चुके हैं अपने घर, अब कल दोबारा कोर्ट में जाएंगे। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, बाकी अभी घर आ चुके हैं। ये जा रहा है अभी अपने घर, अब चल बाय करते, बाय बाय जा रहा, चल ठीक है। तो दोस्तों अब फिर हम घर से निकल आए हैं और अब जा रहे हैं मार्केट, हुनर की लेनी है ड्रेस। दोस्तों हुनर की हमने ड्रेस ले ली है, पर वही बात है जब आप लेडीज के साथ मार्केट में आते हो तो फिर आप जल्दी घर नहीं जा पाते। A few hours later. तो फाइनली दोस्तों पूरे आधे घंटे के बाद सोनी अपना लोअर चेंज करवा के ले आई है, तो अब निकलते हैं घर। फाइनली दोस्तों हम मैं ब्लॉग का एंड कर चुका था, पर 5 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ, मेरे को ये लगा कि मेरे को ये दिखाना चाहिए। अभी हम गए थे मार्केट क्योंकि हुनर है तो पूरा दिन स्कूल में रहता है थक जाता है, तो अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, इंस्टाग्राम चैनल का पता नहीं कौन सा है, और ये जो इसकी ड्रेस हम स्कूल की लेके आए थे, इसने डाली चेक करनी थी अपनी ड्रेस कि मेरे को फिट है या नहीं है,
तो पूरी ड्रेस डाल के, तो ये टीवी देख रहा था यहीं पर सो गया। ये देखो, और एक चीज़ और नोट करो, ये देखो जराबे भी डाले हैं, सॉक्स, ये इसके शूज पड़े स्कूल के, ये इसकी सॉक्स। और रात समा, आपको ये ना लगे कि ये स्कूल गया था, ये दोपहर की वीडियो है, नहीं, ये अभी जो सी मैं शूट कर रहा था वही वीडियो है। ये टाइम दिखाता हूँ आपको, रात के 10 बज गए हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देख लो, इधर आपने घड़ी देख ली, अब ये बाहर देखो कितना अंधेरा, देख लिया अंधेरा। और ये देख लो, रात हुई बड़ी है, ऐसे अपनी मस्ती में सो रहा, ये है जिंदगी, टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई वाका नहीं, और एक्साइटमेंट है नई ड्रेस की, कि मैंने सुबह स्कूल डाल कर जानी है नई ड्रेस। ये ज़िंदगी आपने भी जी होगी अपने बचपन में, हमने भी जी है, ये सबसे अच्छी ज़िंदगी है। कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी व्लॉग का एंड कर चुका था, दोबारा आया तो उसके लिए ठीक है भाई, बाय बाय, दोबारा।